90 का वे दौर था जब कैराना के लोगों का आना जाना पाकिस्तान में खूब बढ़ गया था। समझौता एक्सप्रेस से लोग पाकिस्तान तक व्यापार करने जाते थे। पान सुपारी से लेकर पाकिस्तान जाने वाले कैराना के लोगों ने सोना, नशीले पदार्थ और अवैध हथियारों का भी व्यापार करना शुरू कर दिया। इन गतिविधियों के शुरू होते ही तस्करी की जड़ें कैराना में और मजबूत होने लगी। शासन और प्रशासन मौन था और कैराना बर्बाद हो रहा था। दंगे और अपराधों से बचने के लिए हिंदुओं ने यहां से दूर जाना शुरू कर दिया। लोग अपने घरों के आगे ये मकान बिकाऊ है के बोर्ड टांगने लगे और आधी पौनी कीमतों में अपनी संपत्ति बेचकर वो बस भागना चाहते थे ताकि किसी दंगे या किसी अपराध में उनकी जान न चली जाए। उत्तर प्रदेश का कैराना 90 के दशक का कश्मीर बन चुका था, लेकिन वर्षों बाद अब कैराना फिर फल फूल रहा है। बच्चों के खेलने की, गलियों से निकलती साइकिल की घंटी की, मंदिरों की घंटियों का स्वर दोबारा गूंजेगा, क्योंकि कैराना में हिंदू वापस लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैसे हिंदुओं के इस वर्षों पुराने और कश्मीर के बाद अगले सबसे बड़े माने जाने वाले पलायन का संज्ञान ले लोगों को दोबारा अपने घरों की ओर वापस लौटाया है, जानेंगे TFI पर मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में कल कैराना में पुनः स्थापित हुए हिंदुओं से मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों को पर्याप्त डोज दे दी है और संभवतः उनको ये भी बात समझ आ गई होगी कि अब अतताई व्यवहार उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। कैराना और कालांत प्रवास, जिसे कैराना हिंदू पलायन के रूप में भी जाना जाता है, 2014 से 2016 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कैराना और कालांत से हिंदू परिवारों के बड़े पैमाने पर प्रवास को संदर्भित करता है। वैसे तो ये सब 90 के दशक में ही शुरू हो गया था, लेकिन हाल के वर्षों में ये पलायन और बड़ा हो गया, लेकिन अब कैराना में वापस से हिंदू स्थापित हो रहे हैं। मीडिया सूत्रों ने कहा है कि ये प्रवास मुकीम काला की धमकी के कारण हुआ था, जिसे गैंगस्टर के रूप में वर्णित किया गया था। NHRC की रिपोर्ट और कई चश्मदीदों के सहारे यह भी कहा गया है कि कैराना शहर में मुसलमान, जो इस क्षेत्र में बहुसंख्यक है, हिंदू महिलाओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करते थे, उन्हें ताने मारते थे और इस वजह से अक्सर हिंदू अपना सम्मान और अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाते थे। आपको बताते चले कि कैराना से पलायन को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हुकुम सिंह ने 346 हिंदू परिवारों की सूची जारी की थी जो कैराना से पलायन कर चले गए थे। 14 जून को उन्होंने एक और सूची जारी की जिसमें इस बार कालांत के प्रवासी परिवारों के नाम भी शामिल थे। इन दोनों सूचियों और उनके बाद की प्रतिक्रिया को व्यापक मीडिया कवरेज मिला और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2013 के मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों के बाद BJP ने हिंदू पलायन के मुद्दे को तेज कर दिया था। उस समय कैराना में लोगों को पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा था। लोग घरों के बाहर यह घर बिकने के लिए तैयार है लिखकर कैराना छोड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का गढ़ होने के बावजूद सरकार बस कार्रवाई का आश्वासन देकर तुष्टिकरण करने में व्यस्त थी। अब इतने वर्षों बाद यहां से विस्थापित हुए हिंदुओं को दोबारा बसाया जा रहा है। वो सारे हिंदू जो भागने के लिए मजबूर थे और तुष्टिकरण करने वाली समाजवादी पार्टी जिन्हें कभी मदद नहीं कर सकी, उन्हें योगी सरकार की प्रशासनिक सेवा से वापस स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कैराना में कहा कि उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकताओं वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2013 की मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना के पलायन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, जिन अपराधियों ने कैराना के व्यापारियों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया था, वे खुद अब पलायन प्रक्रिया का पालन करने के लिए मजबूर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैंने जिला प्रशासन से उन परिवारों के बारे में रिपोर्ट मांगी है जो पिछली समाजवादी पार्टी के शासन में यहां मारे गए और उनके सदस्यों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा देगी ताकि वे अपने व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित कर सके। इस बीच एक दिल को छू लेने वाला वाकया भी यहां हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैराना में उन हिंदू परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने साल 2016 में कट्टरपंथियों की डर से पलायन कर लिया था। अभी परिवार वापस कैराना लौट आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की। इस दौरान बगल में बैठी एक बच्ची से उन्होंने पूछा कि अब तो कोई डर नहीं है ना? इस पर बच्ची ने बोला, बिल्कुल नहीं। आप सोच के देखिए कि कट्टरपंथियों की हिम्मत यदि इतनी बढ़ जाए कि वो संविधान के संरक्षण में हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर कर दे तो स्थिति क्या होगी। हम कह सकते हैं कि वो तो धन्य भाग है कि तुष्टिकरण को अब किनारे किया गया और नई सरकार ने हिंदुओं को न्याय दिलाया।
कश्मीर पलायन के बाद यह पलायन भारत के लिए सबसे शर्मसार करने वाला मामला था। अभी भी देश के कई हिस्सों में सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में है और पीड़ित हिंदू समुदाय की उम्मीद वोट बैंक के नीचे खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग अन्य नेताओं के लिए एक उदाहरण है। उन्हें सीखना चाहिए कि अन्याय को कैसे दूर किया जाए और सत्य के समाज की नींव कैसे रखी जाए। कैराना में वर्षों पहले हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ था उसे तो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसके जख्मों को अवश्य कम किया जा सकता है। और वही काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शामली और रामपुर में कैराना के दौरे के साथ विधानसभा चुनाव अंतर्गत पश्चिम यूपी क्षेत्र में अपने शुभकार को सामने रखने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को मजबूत किया है। ये कदम भले ही अभी राजनीतिक लग रहा हो, लेकिन ये एक लंबे समय की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है जिसको सभी को समझना चाहिए।